सो हे एवरीवन, दिस इज एम्बी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बीज डायरी। ये वीडियो स्पेशली गाइस एसबीआई अप्रेंटाइज के लिए कि सर होता क्या है, एसबीआई अप्रेंटाइज करना क्या होता है, क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्योंकि आईपीएस, एसबीआई, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, ये सब तो हम भरते हैं, बट ये बहुत कम देखा जाता है कि किसी बैंकिंग इंडस्ट्री में अप्रेंटाइज की जॉब हो। लाइक रेलवे लेके आती है, एसएससी लेके आती है, उस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अप्रेंटाइज का फॉर्म लेके आया हुआ जो कि स्किल इंडिया के अंदर आता है। तो इस वीडियो पे मैं सारा डाउट आपका जो भी है एज अ बैंकर, एज अ स्टाफ ऑफ एसबीआई, आई विल क्लियर कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी इस चीज़ में, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, इस पर मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग इज कि क्या होता है एसबीआई अप्रेंटाइज। देखो, रेलवे जैसे होती है अप्रेंटाइज, एक आप समझ सकते हो एक साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो आपको स्किल इंडिया के तहत होती है, जो आपको स्किल प्रोवाइड करने के लिए कराया जाता है। लाइक एसएससी कराती है, रेलवे कराती है, उस तरह से अभी स्टेट बैंक भी कुछ सालों से देखा जा रहा है कि अप्रेंटाइज का फॉर्म लेके आ रही है। एंड आपको ये पहले से ही बताया जाता है, पहले से ही सिखाया जाता है, पहले से ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको एक बैंकिंग इंडस्ट्री में आने के बाद क्या क्या काम करना पड़ सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी हो सकती है। तो इट इज़ अ हेल्पिंग हैंड टू योर ऑफिसर्स, टू द क्लर्क्स ऑफ द बैंक हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन इट, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि एक हेल्पिंग हैंड हो, तो आप बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अप्रेंटिस के तहत। एंड इस साल जो वैकेंसी आई है उसमें आपको एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये परमानेंट जॉब नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, बट ये परमानेंट है नहीं। आफ्टर यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग पीरियड, एक साल के बाद आपको ये चीज़ कराई जाएगी। जैसे आप एसबीआई जूनियर एसोसिएट का फॉर्म डालते हो तो आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाता है, आपको थोड़ी एज मिल जाती है कि आप पहले से ही बैंक में काम कर चुके हो, ठीक है। बात कर लेते हैं इस एलिजिबिलिटी की। तो वही एलिजिबिलिटी, वही नॉर्मल क्राइटेरिया जो आपका रहता है, एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। एंड एज शुड बी बिलो 28 ईयर्स। बाकी एज रिलैक्सेशन आप नोटिफिकेशन पे देख लेना कि एससी एसटी ओबीसी की क्या रिलैक्सेशन है। बात कर लेते हैं अब सैलरी की। तो ये देखो, एक फिक्स्ड अमाउंट है 15,000 सैलरी आपको, 15,000 सैलरी हर मंथ आपको मिलेगी। बाकी जो अलाउंसेस वगैरह है कुछ भी आपको नहीं मिलेगा पहला साल। इसके बाद आप जूनियर एसोसिएट में जब सिलेक्शन ले लेते हो तो वो जूनियर एसोसिएट को जो भी फैसिलिटीज एंड फंक्शंस दी जाती है वो आपको दी जाएगी आफ्टर यू गेट सेलेक्टेड इन जूनियर एसोसिएट, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि सर इसमें करना क्या होगा, क्योंकि और ये स्पेशली पूछा जा रहा है मेरे से, क्योंकि लोग कहते हैं कि सर आप तो बैंक में काम कर ही रहे हो, स्टेट बैंक में हो ही, तो आप तो देख ही रहे होंगे कि सर अप्रेंटाइज क्या करता है। तो मेरे ब्रांच में जो अप्रेंटाइज है या फिर एक दो और अप्रेंटाइज से मैंने बात किया कि भाई क्या क्या प्रोफाइल होता है, क्या क्या करना पड़ता, तो चलो मैं बता देता आपको इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी, जैसे फॉलिंग करनी पड़ेगी, जैसे लोन वगैरह आप देना चाहते हो, चाहे पर्सनल लोन हो, कुछ भी लोन हो, बहुत सारे लोन्स होते हैं बैंक में। लोन देने के लिए आप फ़ोन करोगे कस्टमर्स को, आपको लीड दी जाएगी, आपको चार्ट दिया जाएगा कि इन लोगों को फ़ोन करना, आपको बुलाना है, कोशिश करना, कन्विंस करना लोगों को लोन लेने के लिए। दूसरी चीज़ करनी, KYC अपडेशन के लिए फ़ोन करना पड़ता है कि सर आपका KYC अपडेट नहीं हुआ है, बहुत दिन हो गए हैं, तो उनको एक रिमाइंडर डालना पड़ता है फ़ोन करके या फिर विजिट करके, कैसे भी हो आपको करना पड़ता है ये सब चीज़ें। हेल्पिंग हैंड टू योर एसोसिएट्स या फिर ऑफिसर्स, जो भी हेल्प चाहते हो उन लोगों को ड्यूरिंग द वर्क पीरियड, कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो आपको हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो गाइज, अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो देखो ये टोटली एक बैंकिंग काइंड ऑफ जॉब है, चूँकि आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GA कर ही रहे हो, पहले से तैयारी कर ही रहे हो इस चीज़ की, तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप डेस्परेटली जॉब के लिए आप डेस्परेट हो कि सर मुझे जॉब चाहिए ही, तो एक ऑप्शन आप ये रख सकते हो, तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। बाकी इफ़ यू आर एमिंग कि सर मैं डायरेक्टली PO ही चाहता हूँ या फिर जूनियर एसोसिएट ही चाहता हूँ, फिर आपको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि क्योंकि एक बार आप बैंकिंग में जब घुस जाते हो ना, तो बहुत कम टाइम मिलेगा आपको प्रिपरेशन के लिए। आप कोई सा भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहते हो, बैंकिंग करना चाहते हो, SSC करना चाहते हो, कोई भी आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि 10 से 5 आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा बैंकिंग काम में। एंड जब एक 10 से 5 का जो ऐसा टाइम होता है, क्योंकि आपको जो टाइम होता है वो एकदम से एक पैक टाइम होता है, जिसके बीच में आपको कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बैंकिंग से ही रिलेटेड चीज़ें करनी पड़ेगी, चाहे आपका बैंक रूरल एरिया में हो या फिर अर्बन एरिया में हो। सो यू गेट वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू डू एनी थिंग अदर देन द बैंकिंग, ठीक है। एंड इफ़ यू आर सीरियस कि नहीं मैं निकाल सकता हूँ SBI PO, IBPS PO या फिर कोई सा भी अदर बैंकिंग एग्जाम, देन यू शुड नॉट अप्लाई दिस।
बट हाँ, चलती राह में एक एग्ज़ाम है, आपको ज़रूर देना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड फिर जब कोई एग्ज़ाम आएगा, फिर जब कोई पेपर आएगा, फिर उसके लिए आप फॉर्म डाल देना। और एंड बहुत ज़्यादा आपको तो ये है नहीं कि भाई ये परमानेंट है, तो एक साल का आपको इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप एक साल के लिए ट्रेनिंग इसके स्किल इंडिया के तहत आप ले सकते हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि देखो, बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो आपको सेंटर डालना पड़ता है, कहीं दूर दूर आपकी पोस्टिंग होती है। बट इसमें क्या होता है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी, इसमें जो आपकी पोस्टिंग होगी घर के आसपास ही होगी, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज डाल सकते हो। आप वैकेंसी देख लेना एंड अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देख लेना, तो दूर का मत डालना। आपके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है, कोशिश करना कि वहीं पे आपकी पोस्टिंग हो, वहीं पे आसपास कहीं आपकी जॉब लगे। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्पेलिंग, चीयर्स।